नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 13 सबसे उज्जवल कौन वो किया था, राइट। तो स्टूडेंट, हमने उस चैप्टर में क्या देखा था उसका हम लोग एक थोड़ा सा रिविजन करेंगे, क्योंकि आज हम करने वाले है वेस्टर्न आंसर, राइट। वेस्टर्न आंसर करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, थोड़ा सा रिवीजन, ताकि हम लोग उसके आंसर फटाफट दे सकते हैं। तो हमने देखा था कि बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्हें बहुत मान सम्मान तो मिलता था ही, साथ साथ वे किसी भी समय बादशाह को मिलने जा सकते थे। एक बार बादशाह अकबर ने प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे उज्जवल कौन है, क्या है, तो उत्तर में कपास, बर, दूध, चांदी इत्यादि कई उत्तर मिले। पर बीरबल का कहना था कि सूरज की रोशनी सबसे उज्जवल है, क्योंकि बीरबल की बात तो अलग ही होती थी, राइट। फिर राजा ने उसे क्या कहा कि आप बीरबल आपकी बात अपनी साबित करके दिखाओ, और फिर अकबर ने उन्हें ये अपनी बात साबित करने के लिए कह दी। एक दिन बीरबल ने बादशाह के शयन कक्ष के दरवाजे पर, यानी कि उनके कक्ष के बाहर, एक कटोरे में दूध और कुछ कपास के फूल रख दिए। सुबह जब बादशाह कमरे से बाहर आए तो उनके पैर की ठोकर से दूध का कटोरा गिरा और कपास के फूल भी बिखर गए। बाहर आते ही सूर्य की रोशनी में दोनों चीजें उन्हें दिखाई, वो अंधेरे में थे। बाहर जब आए तब तक तो उनका पैर ठोकर लग गई थी, और फिर जब रोशनी में देखा तब उन्हें दिखाई दिया कि वो सब कुछ बिखर गया है। बीरबल वहीं खड़े थे, उन्होंने बादशाह से कहा कि आप कपास और दूध को सूरज की रोशनी में ही देख पाए, और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और माना कि सूर्य की रोशनी ही सबसे उज्ज्वल है, और सूर्य हमें रोशनी तथा गर्मी देता है, वनस्पति जगत इसी के कारण जीवित है, राइट। हमने सूरज के बारे में भी जाना कि बीरबल के इस उत्तर से हमें ये भी पता चला कि सूर्य की रोशनी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। सूरज की रोशनी के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, राइट। और जब उस दूध के कटोरे पर और उस कपास का जो व्हाइट व्हाइट फूल थे उस पर जब रोशनी हुई तभी हमें पता चला कि वो सफेद है, उज्ज्वल है। अगर आपको मैं कोई भी फूल दे दूं बट अंधेरा है तो आप उसको देख के पहचान नहीं सकते कि यह सफेद है, उज्ज्वल है, या काला है, या गुलाबी है, राइट। उस पर सूरज की रोशनी होगी तो ही हम लोग उसको पहचान सकते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर हमारे कितने होते हैं, दो प्रकार के। सबसे पहले होता है बोलने की बारी वाले, राइट। बोलने की बारी, राइट। तो सबसे पहले बोलने की बारी वाले में क्वेश्चन है अकबर कौन थे। तो अकबर मुगल सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध तथा महान बादशाह थे। अकबर थे वो मुगल यानी कि जो मुस्लिम थी जाति, वो मुगल के एक महान बादशाह थे। अकबर मुगल सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध तथा महान बादशाह थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। दरबारियों ने दूध, बर, कपास के फूल और चांदी को उज्जवल क्यों कहा होगा? दरबारियों ने दूध, बर, कपास के बीज, फूल और चांदनी, राइट। सॉरी, चांदनी है यहाँ पर, हमने तो चांदी ही कहा था, राइट। पर यहाँ पर क्या है, चांदनी। यहाँ क्या है, चांदनी। तो चांदनी यानी कि क्या होगा, चांद की रोशनी, क्या होगा, चांदी। देखो यहाँ पर हमारी बुक में तो क्या लिखा था, चांदी यानी कि सिल्वर, बट यहाँ पर लिखा है चांदनी,
पर चांदनी यानी कि चांद की रोशनी वो भी चलेगा, और नहीं तो चांदनी क्या होगा, चांदनी को उज्जवल क्यों कहा होगा? तो दरबारियों ने दूध, कपास के फूल और चांदनी को उनके सफेद रंग के कारण उज्जवल कहा होगा। उन सबको उन्होंने क्यों सफेद कहा? क्योंकि दूध, कपास के फूल, उन सबका रंग कैसा होता है? एकदम सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। और उसी के कारण उन्हें उज्जवल कहा होगा, राइट। बीरबल ने अपना काम चुपचाप क्यों किया? बीरबल ने अपना काम चुपचाप क्यों किया? कौन सा काम और क्यों? तो बीरबल को साबित करना था कि देखो कौन सा काम चुपचाप किया, क्योंकि जब जब अकबर राजा ने कहा था कि भाई सभी ने बहुत चर्चाएं की और सभी के पास भी बात क्लियर हुई कि भाई चलो दूध और कपास को सबसे उज्जवल माना गया, तब भी बीरबल ने तो मना किया था कि नहीं भाई सबसे ज्यादा उज्जवल चीज तो क्या है, सूरज की रोशनी है। क्या है? सूरज की रोशनी। और इसी बात को अकबर राजा ने प्रमाणित करने के लिए कहा था, यानी कि साबित करने के लिए कहा था। और फिर बीरबल ने राजा को ये बात अपनी प्रमाणित करने के लिए सारा काम कैसे किया? चुपचाप। बीरबल को साबित करना था कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी होती है, राइट। उन्हें तो साबित करना था कि सबसे उज्जवल चीज क्या होती है? रोशनी, राइट। और इसे साबित करने के लिए जो योजना उन्होंने बनाई थी उसे सफल बनाने के लिए वह अपना काम चुपचाप कर रहे थे। उन्होंने पूरी योजना बनाई थी, और कोई भी योजना अगर हम चुपचाप करेंगे तो ही वो सफल होगी। हम लोग कोई योजना बनाएंगे और सबको ढंडेरा फिर देंगे कि मैंने तो ये किया है, ये किया है, ये किया है, तो फिर वो योजना हमारी सफल नहीं रहती, राइट। तो सबसे पहला प्रश्न है अकबर कौन थे? तो अकबर मुगल सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध और तथा महान बादशाह थे। सेकंड वाला प्रश्न, अब दरबारियों ने दूध, बर्फ, कपास के फूल और चांदनी, राइट, यहाँ पर चांदनी दिया है, इसे हम लोग चांदनी लिखेंगे, बाकी हमारे लेसन में चांदनी है, को उज्जवल क्यों कहा होगा? तो दरबारियों ने दूध, बर्फ, कपास के फूल और चांदनी को उसके सफेद रंग के कारण उज्जवल कहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बीरबल ने अपना काम चुपचाप क्यों किया होगा? तो बीरबल को साबित करना था कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी होती है। इसे साबित करने के लिए जो योजना उन्होंने बनाई थी उसे सफल बनाने के लिए वह अपना काम चुपचाप कर रहे थे, राइट। नाउ अभी है लिखने की बारी वाले क्वेश्चन, राइट, लिखने की बारी वाले क्वेश्चन है। इस बार मैंने आप लोगों को लाइन में दे दिया है, अगर आपको लगे तो आप लोग उसके पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे कि मैं हर बार आप लोगों को बना के देती हूँ, इस बार मैंने नहीं दिया है, खास करके आप लोग खुद उसके पॉइंट्स बनाओ इसलिए, राइट। देखो सबसे पहले क्या है लिखने की बारे में, कि अकबर ने कौन सा सवाल सबके सामने रखा था, अकबर ने कौन सा सवाल सबके सामने रखा? तो बादशाह अकबर ने दरबारियों के सामने सवाल रखा कि बताइए संसार में सबसे उज्जवल वस्तु कौन सी है। क्या रखा था? कि बताइए संसार में सबसे उज्जवल वस्तु कौन सी है, राइट, ये सवाल रखा था। उसी पर ये लेसन है हमारा कि सबसे उज्जवल वस्तु कौन सी है, राइट। तो सेकंड वाला प्रश्न, बीरबल ने सूरज को सबसे उज्जवल क्यों माना? अभी हम लोग जानते हैं कि सभी तो अलग अलग नेम देते थे, कोई बर्फ कहता था, तो कोई रुई कहता था, कपास कहता था, तो कोई चांदी कहता था, बट बीरबल ने क्या कहा था? सूरज की रोशनी। तो बीरबल ने सूरज को सबसे उज्जवल क्यों कहा, क्यों माना? तभी उसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग चाहे तो उसकी डिवाइड करके हम उसके टॉपिक पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे कि उज्जवल प्रकाशित वह वस्तु होती है जिसे हम देख सके या जिसकी सहायता से देख सके। देखो उज्जवल हम किसे कह सकते हैं? कि जिसकी
जिसकी वजह से हम उस चीज को देख सके, जिसकी सहायता से हम लोग उस चीज को देख सके, उसको हम लोग उज्ज्वल कहेंगे। उज्ज्वल प्रकाशित वह वस्तु होती है जिसे हम देख सके या जिसकी सहायता से हम देख सके, या तो हमें उसे देख सके या तो उसकी सहायता से देख सके, राइट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वाला, जिन वस्तुओं के नाम दरबारियों ने लिए थे वे रंग में सफेद तो थी किंतु उन्हें अंधेरे में कोई नहीं देख सकता, राइट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जिन दरबारियों ने सारी चीजें बताई थी, जैसे कि दूध, बर्फ, कपास, चांदी, वो सारी चीजें दिखने में तो कैसी थी, सफेद, तो भी हम लोग उसको अंधेरे में देख सकते नहीं है, राइट। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उज्ज्वल प्रकाशित वस्तु वह वस्तु होती है जिसे हम देख सके या जिसकी सहायता से देख सके। दूसरा पॉइंट, जिन वस्तुओं के नाम दरबारियों ने लिए थे वे रंग में सफेद थी किंतु उन्हें अंधेरे में कोई देख नहीं सकता था। तीसरा पॉइंट, सूरज की रोशनी स्वयं तो उज्ज्वल है ही, साथ ही उसके प्रकाश की सहायता से हम सभी वस्तुओं को भी देख सकते हैं, राइट। देखो समझ में आया कि सूरज की रोशनी तो ऐसे ऐसे तो वो है ही प्रकाशित, वो खुद तो प्रकाशित है ही, बट हम उसकी सहायता से और सारी चीजें भी देख सकते हैं, राइट। सूरज की रोशनी से वो खुद तो प्रकाशित है पर हम उसकी सहायता से दूसरी चीजों को भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट था कि उज्ज्वल हम किसको कह सकते हैं, कि या तो हम खुद उस रोशनी को देख सके या तो उसकी सहायता से हम दूसरी चीजें देख सके, राइट। फर्स्ट पॉइंट वही था हमारा, तो इसीलिए सूरज को उज्ज्वलित बताया, राइट। पूरा हम एक साथ रीड करते हैं कि बीरबल ने सूरज को सबसे उज्ज्वल क्यों माना, तो उसका आंसर पूरा लाइन में रीड करते हैं कि उज्ज्वल प्रकाशित वह वस्तु होती है जिसे हम देख सके या जिसकी सहायता से देख सके। जिन वस्तुओं को के नाम दरबारियों ने लिए थे वे रंग में सफेद थी किंतु उन्हें अंधेरे में कोई नहीं देख सकता। सूरज की रोशनी स्वयं तो उज्ज्वल ही, साथ ही उसके प्रकाश की सहायता से हम सभी वस्तुओं को भी देख सकते हैं, राइट। तीन पॉइंट्स बने, वो भी थोड़े बड़े बड़े हैं, बट आप लोग समझेंगे तो एकदम इजी है कि सबसे पहला पॉइंट है कि हमें सूरज की रोशनी, हम लोग कोई भी चीज ऐसी है कि जो खुद देख सके या तो उसकी सहायता से हम देख सके, और दूसरी पॉइंट ये था कि दरबारियों ने जो चीजें बताई थी वो दिखने में सफेद थी बट वो अंधेरे में तो भी हम लोग उसको देख सकते नहीं थे, और तीसरा पॉइंट ये था कि सूरज की रोशनी खुद तो स्वयं प्रकाशित है ही बट उसकी सहायता से हम दूसरी चीजें भी देख सकते हैं, ओके। थोड़ा सा बड़ा था बट हम लोग तीन पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे और इन तीन पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बीरबल ने अपनी बात साबित करने के लिए क्या किया। बीरबल ने अपनी बात साबित करने के लिए क्या किया, तो देखो ऑलरेडी ये तो मैंने तो भी आप लोगों को दिया हुआ, थोड़ा सा बड़ा है पर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई चलो बीरबल ने पूरी योजना क्या बनाई थी, वो इसका आंसर है, राइट। कि बीरबल ने अपनी बात साबित करने के लिए क्या किया, तो बीरबल ने कहा था कि सबसे उज्ज्वल सूरज की रोशनी है। सबसे पहले तो मैं बात ये करूंगी कि कौन सी बात थी जो उन्हें साबित करनी थी, तो बीरबल ने कहा था कि सबसे उज्ज्वल सूरज की रोशनी है जिसे अकबर ने उन्हें साबित करने के लिए कहा था। कौन सी बात उन्हें साबित करनी थी कि भाई सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा उज्ज्वल है। बीरबल ने बादशाह अकबर के शयन कक्ष के द्वार पर कपास के फूल और दूध का कटोरा रख दिया। इसके पॉइंट्स बना सकते हैं, सबसे पहली बात क्या बात साबित करनी थी और किसने कहा था, दूसरा पार्ट कि शयन कक्ष के बाहर बीरबल ने अकबर राजा के शयन कक्ष के द्वार पर कपास के फूल और दूध का कटोरा रख दिया। सुबह जब बादशाह कमरे के बाहर निकले
तो उनके पैर की ठोकर से दूध का कटोरा छलक गया तथा कपाल के फूल बिखर गए। राइट, फिर क्या हुआ? सबसे पहले तो बीरबल ने चुपचाप वो सारी चीजें रख दी थी। फिर दूसरी बात ये हुई कि जब अकबर राजा बाहर निकले तो उनकी पैरों की ठोकर से दूध का कटोरा छलक गया और कपास के फूल बिखर गए। रोशनी में बाहर आने पर वे उन्हें देख पाए। वो अंधेरे से बाहर निकले थे इसलिए वो उन्हें देख पाए नहीं थे, और वो जब रोशनी में आए तब उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ पर दूध भी गिर गया और कपास के फूल भी बिखर गए। बीरबल ने उनसे कहा कि अब तो आप मानोगे कि सूरज की रोशनी ही सबसे उज्जवल है, अंधेरे में सूरज की रोशनी नहीं थी तो वो उन्हें कुछ दिखाई दिया नहीं, और सूरज की रोशनी उन पर गिरी तभी उन्हें दिखाई दिया। क्यों ना दूध सफेद है, क्यों ना कपास के फूल सफेद है, तो भी वो उन्हें देख पाए नहीं थे। कब देख पाए? तब सूरज की रोशनी उन पर गिरी, तब ही उन्हें वो देख पाए थे। राइट, ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है, पर क्या करना है, हमें पॉइंट्स आप लोगों को खुद बनाने हैं, इसलिए मैंने इस बार पॉइंट्स बना के दिया नहीं है। बीरबल ने कहा था कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है जिसे अकबर ने उन्हें साबित करने के लिए कहा। बीरबल ने बाजा अकबर के शयन कक्ष के द्वार पर कपास के फूल और एक दूध का कटोरा रख दिया। सुबह जब बादशाह कमरे के बाहर निकले तो उनके पैरों की ठोकर से दूध का कटोरा छलक गया और कपास के फूल बिखर गए। रोशनी में बाहर आने पर वे उन्हें देख पाए, और बीरबल ने उनसे कहा कि अब तो आप मानोगे ही कि सूरज की रोशनी ही सबसे उज्जवल है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, सूरज हमारे लिए क्यों आवश्यक है? जैसे कि लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा था हमारे लेसन में कि सूरज सबसे आवश्यक क्यों है, क्यों जरूरी है सूरज। तो देखो, सूरज हमें प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा देता है। बिना सूरज के हम लोगों की हमारे शरीर में एनर्जी रहती नहीं है, ऊर्जा रहती नहीं है। अगर हमारे शरीर पर थोड़ी सी भी गर्मी नहीं होगी तो हमारा जो शरीर है वो एकदम, हमारा जो अंदर ब्लड घूमता है वो एकदम जम जाएगा। राइट, इसीलिए हम देखते हैं कि विंटर में सबसे ज्यादा सबको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा बाहर बहुत ठंडी होती है जिसकी वजह से हमारे अंदर का जो खून होता है वो ठंडा पड़ जाता है, और इसीलिए सबको हार्ट की तकलीफ विंटर में ज्यादा होती है। अगर हम लोग गर्मी में बैठेंगे तो थोड़ी देर हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी। सूरज हमें प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा देता है। इसी की सहायता से वनस्पति उगती है जिससे हमें अन्न प्राप्त होता है। हमें खाने के लिए, हम खाना खाएंगे तो ही हम लोग जीवित रहते हैं। तो खाना हमें कहाँ से मिलता है? वनस्पति से। और वनस्पति अपना खोराक कहाँ से लेती है? सूरज से ही। राइट, सूरज की रोशनी ना हो तो जीवन समाप्त हो जाएगा। जैसे कि हमने लेसन में भी बात की थी कि अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। राइट, जैसे कि हमने बात की थी कि सारी नदियां, तालाब, सारी धरती पर जितना पानी है वो जम जाएगा, वनस्पति भी नहीं उगेगी, और वनस्पति भी हमें ग्रो नहीं होगा तो हम लोगों को खाने पीने की, अन्न की चीजें भी नहीं मिलेगी। राइट, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। नाउ अभी हम देखते हैं हमारे एनसीक्यूज, यानी कि क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। राइट, तो फर्स्ट है, अकबर के सवाल पर बीरबल चुप थे क्योंकि अकबर के सवाल पर, अकबर राजा ने क्या सवाल किया था कि भाई दुनिया में सबसे उज्जवल चीज कौन सी है, ये सवाल किया था ना, तो उस बात पर बीरबल चुप क्यों थे? क्योंकि वे डर रहे थे, दरबारियों के उत्तर से वे संतुष्ट नहीं थे, या बीरबल के दांत में दर्द था, या उन्हें उत्तर पता नहीं था। चार ऑप्शन दिए हैं। वे डर रहे थे, दरबारियों के उत्तर से वे संतुष्ट नहीं थे, बीरबल के दांत में दर्द था, या उन्हें उत्तर पता नहीं था। तो देखो, दांत में दर्द था वो तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, फिर वो डर गए तो वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीरबल कभी डरते नहीं थे। और लास्ट ऑप्शन है,
कि उन्हें उत्तर पता नहीं था। तो ज्यादातर कोई भी ऐसा सवाल नहीं होता था कि जिनका उत्तर बीरबल को नहीं मालूम होता था, राइट। ज्यादातर सारे सवालों का जवाब उन्हें मालूम ही होता और उन सवालों के जवाब को वो प्रमाणित करके भी दिखा देते थे, राइट। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट कि दरबारियों के उत्तर से वे संतुष्ट नहीं थे, यानी कि सभी ने क्या कहा था कि वर्ष, कपास, चांदी वो सब एकदम उज्ज्वलित है, वो सब एकदम उज्ज्वल है, साफ है। तो ये जो सभी ने आंसर दिए थे, सभी जो चर्चा कर रहे थे, वो बात से वो संतुष्ट नहीं थे, यानी कि वो आंसर से वो संतोष नहीं मानते थे उस आंसर में, राइट। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट कि दरबारियों के उत्तर से वे संतुष्ट नहीं थे। नाउ उसका दूसरा क्वेश्चन, सूरज हमें क्या देता है? तो सूरज हमें रोशनी, गर्मी और जीवन, रोशनी, सर्दी और वनस्पति। देखो सेकंड ऑप्शन लिखते हैं रोशनी, सर्दी और वनस्पति, और थर्ड है रोशनी, पेड़ और बादल, रोशनी, पेड़ और पहाड़। तो देखो पहाड़ तो देता नहीं, पेड़ भी नहीं देता, पर रोशनी की वजह से पेड़ ग्रो होते हैं, पर पेड़ हमें सूरज देता नहीं है। लास्ट सेकंड देखो, रोशनी, पेड़ और बादल, तो बादल भी वो नहीं देता, राइट। फिर सेकंड वाला ऑप्शन रोशनी, सर्दी और वनस्पति, वनस्पति उनसे ग्रो होती है, बट सर्दी, ठंडी हमें सूरज देता नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो राइट, रोशनी, गर्मी और जीवन, सूरज से हमारी, हमें रोशनी मिलती है, हमें गर्मी मिलती है और हमारा जीवन भी सूरज की वजह से ही है, राइट। तो फर्स्ट में आएगा ख वाला आंसर और सेकंड में आएगा क वाला आंसर, रोशनी, गर्मी और जीवन, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, थोड़े बड़े बड़े थे इसलिए मैंने इसका एक प्रॉपर एक्सप्रेशन लिया है और हमारे साथ ही साथ हमारे एमसीक्यू भी हो गए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी पाठमाला करेंगे और खासकर पाठमाला में हमारे बहुत से ग्रामर के पार्ट्स है इसमें, इसलिए नेक्स्ट हमारा सेशन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, राइट। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।